हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से हों और अपने घरों में हों, सेफ हों, क्योंकि ये टाइम ना अपने घरों में सेफली रहने का है। और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगा कर जाएँ, सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखें, और हाँ, जहाँ ज़्यादा भीड़ हो उससे भैया दूर ही रहें, क्योंकि आपको अपना बचाव खुद करना है। बाकी आप सब देख रहे हैं, सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक आंकड़ा है अपने सरकार के लिए, लेकिन आप क्या है अपने परिवार के लिए सिर्फ आपको पता है। तो प्लीज़ कहीं भी जाएं मास्क लगा करके जाएं। खैर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो न्यूली मदर्स के लिए है, क्योंकि मैं इस लॉकडाउन वाले पीरियड में वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने ये बात सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम सबको ही अपनी खुद की रक्षा करनी है, कोई और नहीं आएगा बचाने के लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी माएँ होती हैं, जो नई नई माँ बनी होती हैं ना, जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा हो जाता है ना, सिर्फ एक टेंशन हो जाती है, जो भी माँ अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसके लिए, बाकी जो नहीं कराती हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। वो तो शुरू में ही फ्री थी और अभी भी फ्री हैं, बाद में भी फ्री होने वाली हैं। नॉर्मली आजकल के आप लोग देख सकते हैं कि लोग माँ तो बन जाते हैं लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी नहीं समझते। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बेकार थॉट है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से हमारा फिगर ख़राब होता है। अगर हम एक बच्चे को डिलीवर करते हैं, क्या उस समय हमारा फिगर जो है वो ख़राब नहीं होता है? अगर हम कंसीव करते हैं तो क्या उस समय हमारा फिगर ख़राब नहीं होता है? अगर हम 9 महीने एक बच्चे को अपने कोख में रखते हैं तो क्या हमारा फिगर ख़राब नहीं होता है? ब्रेस्ट फीडिंग करा देने से हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा? बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब हमारी माँ ने ये चीज़ नहीं सोचा तो हमें भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। ये बेकार की थॉट अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन हैं जो इस सोच को अपने अंदर रखती हैं। खैर, उनकी अपनी मजबूरी होगी, मुझे इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना है। मुझे मेरा जो आज का टॉपिक है हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से मुझे मिलता है ढेर सारा मोटिवेशन, और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब हमारा बेबी छोटा सा होता है ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, हम ब्रेस्ट फीडिंग आराम से कराते हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ, हमारी माँ, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ से हम लोगों ने यही सीखा है, यही देखा है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे घरों में काफ़ी सारे रिश्ते होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, तो वहाँ से हमारी ये जो सीख है वो हमारे अंदर होती है, मेरे अंदर है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग कराई हुई है, और मैं जितनी भी न्यूली मॉमीज़ हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराइए। आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करा पाते किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप करा पाते हैं तो उसे आप थोड़ा सा भी इग्नोर ना करें, डेफिनेटली कराएं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। आप कह सकते हैं जीवन के बाद एक अमृत का काम करता है माँ का दूध बच्चे के लिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बहुत सारी मम्मियों में यही प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो लोग ये टेंशन में पड़ जाते हैं कि अब हम इसका जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो लत है ना उसे कैसे छुड़ाएं। अमूमन बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल तक पीते हैं, मैंने ऐसा सुना है। वैसे मेरी जो छोटी बेटी है वो भी 3 साल की है, 3 में रनिंग है वो, लेकिन अब वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर वो 3 साल तक की है, 3 साल में रनिंग है, अभी तक तो वो करती थी, लगभग 15 या 20 दिनों से कंटिन्यू मैं ये चीज़ उसके साथ नोटिस कर रही हूँ कि अब वो ज़िद भी नहीं करती है। अक्सर ना बच्चे जब अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा ज़िद पकड़ने लगते हैं, जैसे कि 2 से 3 साल तक के बीच में ना बच्चे ज़िद पकड़ लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 1 साल तक ही कराएं, 6 महीने वैसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि कम से कम 1 साल तक तो बच्चे को ब्रेस्ट मिलना ही चाहिए। साथ साथ आप खाने पीने की भी आदतें लगाएं, क्योंकि बच्चे अक्सर ना जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ना वो फिर खाने पीने की जो लत होती है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं। तो आप इस बात का प्रॉपरली ध्यान रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आप उसकी जो खाने की आदत है उसे भी स्ट्रॉन्ग कर दें। सो चलिए बात करते हैं इसका कि हम कैसे छुड़ा सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा चीज़ है जो कि मुझे भी मिला है मेरे फैमिली मेम्बर से, और उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया, मेरे साथ शेयर किया, और उन्होंने खुद इस चीज़ को यूज़ किया अपने दो दो बच्चों के साथ में। एंड जो भी पूछता है तो उसे भी ये वही मतलब यही चीज़ रिकमेंड करती हैं कि आप ये चीज़ यूज़ करके ना बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो आदत है उसे आप छुड़ा सकते हैं। वो चीज़ क्या है तो मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो मेरे पास कौन सी वो छोटी चीज़ है, ये है, बताइए क्या है।
मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऑब्वियसली यार पुदीन हरा है ये। ये है डाबर पुदीन हरा। और अब आप सोचेंगे कि इसे क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है जो कि आपको करना है। अगर आप परेशान हैं कि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो ब्रेस्ट फीडिंग करना, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे तो मेडिकल स्टोर पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे कि आपका ब्रेस्ट फीड करना बंद हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सी एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे जो है ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ भी देंगे और साथ ही साथ उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो स्ट्रांग हो जाता है, और साथ ही साथ उनमें ना भूख बढ़ती है, बच्चे खाना मांगते हैं, मतलब वो खाना खाना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है तो उसके लिए भी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसके लिए ये रामबाण है मैं कहूँगी। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये चार है, इसके पहले मैंने छोटा सा कैप्सूल मंगाया था, चार गोलियाँ थी उसमें, मतलब चार और चार, ये टोटल आठ कैप्सूल मैंने यूज़ किया है अभी तक में। और अकुने पूरी तरीके से, मतलब टच वुड, पूरी तरीके से आपको ने अभी ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया है। इसे क्या करना है, जब कभी भी आपका बच्चा ज़िद करता है, जैसे कि नॉर्मल बच्चे जब सोने आते हैं ना आपके पास, तो वो ज़िद करते हैं कि हाँ मतलब थोड़ा सा उन्हें चाहिए। आप जब भी आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी होता है या फिर जब भी वो चाहता है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग करें, उस समय आप इसे हल्का सा यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहे तो उसके ऊपर आप हल्का सा इसे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहेगा उसे हल्का सा ठंडापन लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद इसको लेने से बच्चों में ना भूख बढ़ जाती है, क्योंकि आपको के साथ सेम यही चीज़ हुआ था। मुझे लगा कि इस चीज़ को यहाँ पर शेयर जरूर करना चाहिए, बताना ज़रूर चाहिए। वैसे तो मैंने अभी तक कोई भी वीडियो देखा नहीं है कि यूट्यूब पर ऐसा भी कोई वीडियो है, तमाम वीडियो होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था यहाँ पर आप सभी के साथ में। तो आप लोग ये डाबर पुदीन हरा यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने में। जब कभी भी आपका बच्चा जैसे ही आता है आपके पास तो आप इसे लगा लीजिए, और फिर नॉर्मल सी बात है वो बच्चा अपने आप नॉर्मली छोड़ देगा। आप तब तक इसे कंटिन्यू करें जब तक कि वो प्रॉपरली पूरी तरीके से मांगना बंद नहीं कर देता है, तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी जिससे मुझे आपके साथ यहाँ पे शेयर करनी थी। आई जस्ट होप कि ये मेरा आज का ये जो वीडियो था, ये छोटा सा जो टॉपिक था ना, आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है ढेर सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे नीचे फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो या फिर कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मुझे बनाना है जो कि आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। लगता है।